नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया। आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इंडिया में अपने खुद का स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हो और उसको सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग पीरियड तक के। तो दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जितने भी सीनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके इंटरव्यू से जो मैंने सीखा वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारा कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं है, लेकिन जो भी लर्निंग हमारे इस छोटी सी जर्नी के थ्रू हुई है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिकली एक रोड मैप शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप इंडिया में सक्सेसफुली एक स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हो। तो जब कोई स्टार्टअप आइडिएशन लेवल से एग्जीक्यूशन लेवल पे जाते हैं, जब वो एग्जीक्यूट करने पे आते हैं, वहीं पे ही मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि जब भी कोई स्टार्टअप टेक ऑफ करने वाला रहता है वो वहीं पे ही क्रैश हो जाता है। तो प्रिसाइजली इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से सक्सेसफुली टेक ऑफ किया जाता है, किस तरीके से इनिशियल लेवल में प्लानिंग की जाती है ताकि आपका जो स्टार्टअप है वो अपने सबसे क्रूशियल मोमेंट पे बना रहे और सक्सेसफुली ग्रो होता रहे। तो ये वीडियो के कोर पॉइंट्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई स्टार्टअप होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बिजनेस और स्टार्टअप्स में डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, जो स्टार्टअप होता है उसमें ये पांच चीजें रहती है जो इसको एक नॉर्मल बिजनेसेस से अलग बनाती है। बिजनेसेस आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बेसिकली कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो एक चीज बिजनेस होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी ऐसी चीज बेच के अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, पैसा जनरेट कर रहे हो, तो वो एक बिजनेस होता है। बट एक स्टार्टअप बिजनेस से अलग कैसे होता है ये हम समझते हैं। पांच पॉइंट्स होते हैं जो एक स्टार्टअप को एक बिजनेस से अलग बनाते हैं। सबसे पहला होता है यूनिकनेस। स्टार्टअप का जो आइडिया रहता है वो बेसिकली बाकी जितने मार्केट में आइडियाज रहते हैं उनसे यूनिक रहता है। जो भी आप एग्जीक्यूट करते हो वो पहले कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसमें एक्सक्लूसिविटी होती है, उसमें आपका खुद का इनोवेशन रहता है, खुद का इन्वेंशन रहते हैं, ताकि आप मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस से सेपरेट कर पाओ अपने आप को और एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट कर पाओ स्पेस पे। दूसरी चीज जो रहती है वो होती है स्केलेबिलिटी। नॉर्मली एक बिजनेस में जो स्केलेबिलिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होता है, ओवर अ टाइम पीरियड बिजनेस ग्रो होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अगर एक दुकान खोलेंगे तो वो धीरे धीरे वो दुकान ग्रो होगी। अगर एक दुकान 10-15 साल में सक्सेस होती है तो फिर आप उसका दूसरा स्टोर डालते हो, तीसरा स्टोर डालते हो, तो जो स्केलेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो स्टार्टअप्स होते हैं जनरली ये टेक बेस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड होते हैं। ये बेसिकली एप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है जिसको ईजिली स्केल अप किया जा सकता है, जो एक एरिया से लिमिटेड नहीं होते। जैसे अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं तो हो सकता है आपका जो एरिया होगा, आपका जो टारगेट मार्केट होगा वो उसी शहर के लोग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के जो गांव होंगे वहां के लोग आपके दुकान पे आएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक वेबसाइट या एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर प्रिमाइज्ड है तो आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हो। तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनकी स्केलेबिलिटी हाई होती है। दोस्तों, तो तीसरी चीज है जो किसी भी स्टार्टअप में होना जरूरी है वो है वायबल कमर्शियलाइजेशन। इसका ये मतलब होता है कि आप जो भी स्टार्टअप में प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी चीज बेच रहे हो आप उससे बेसिकली एक प्रकार का कॉमर्स क्रिएट करो, लाइक रेवेन्यू जनरेट करो, एक प्रकार का व्यापार होना चाहिए उससे। तो अगर आप कोई चीज फ्री में दे रहे हैं उसको आप स्टार्टअप पे काउंट नहीं कर सकते, आपको एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ता है जिससे आप एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट करो। चौथा पॉइंट जो एक स्टार्टअप को एक बिजनेस से अलग करता है वो है एसेट लाइट मॉडल। देखिए, जो बिजनेसेस होते हैं जनरली उसमें बहुत सारे एसेट्स होते हैं। जनरली जो स्टॉक हम रखते हैं अपनी दुकान में वो भी एक प्रकार के एसेट्स होते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं ये एसेट हैवी बिजनेस होते हैं। ये बिजनेस बनाने के लिए बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप अगर दुकान बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसके अंदर आप माल रखेंगे, प्रोडक्ट्स रखेंगे, अपना वेयर हाउस क्रिएट करेंगे, बहुत सारे स्टाफ को रखेंगे। तो ये सारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं और ये ही बिजनेस को, नॉर्मल बिजनेसेस को एसेट हैवी बनाते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स की एक खास बात होती है कि स्टार्टअप्स एसेट लाइट होते हैं। आपको पता होगा ओयो का सबसे बड़ा होटल चेन है लेकिन एक भी होटल ओन नहीं करता। उबर या ओला इतनी बड़ी कैब्स की चेन है लेकिन उनकी एक भी कार उनकी खुद की नहीं है, वो ओन नहीं करते। तो इस तरीके से ये बेसिकली टेक्नोलॉजिकली बेस्ड एसेट लाइट मॉडल बनाते हैं जिसमें ये पार्टनर्ड करते हैं, दो लोगों को कनेक्ट करते हैं, बीच में अपना कमीशन लेते हैं और अपने बिजनेस मॉडल को एसेट लाइट बनाते हैं। और यही पॉइंट बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को डिफरेंशिएट करता है। जनरली जो बिजनेसेस होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, काफी ज्यादा एसेट हैवी होते हैं, और स्टार्टअप्स जो होते हैं वो एसेट लाइट होते हैं। और दोस्तों, जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप का वो है सस्टेनेबिलिटी, कि जो स्टार्टअप का मॉडल है, जो आइडिएशन है, वो इस तरीके से बना होता है कि स्टार्टअप अपने आप में सस्टेन करे। हम ऐसा कोई आइडिया नहीं बना सकते, उसको स्टार्टअप का नाम नहीं दे सकते जो कि बेसिकली अपने आप में सस्टेन ना हो पाए। सस्टेन मतलब होता है खुद में ही प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए, खुद में ही पैसा ना कमा पाए या खुद में ही ग्रो ना हो पाए।
तो बेसिकली अगर आप कोई ऐसा मॉडल सोच रहे हो कि जिससे बेसिकली आप 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे ही मार्केट में बेच रहे हो, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस मॉडल को आप एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं बोल सकते। इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप्स बड़े लेवल की फंडिंग ले लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यूअसली मार्केटिंग में बर्न करते हैं, लेकिन उनका जो आइडिया होता है वो एक्चुअली में सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये बहुत सारे स्टार्टअप्स है, आप देख सकते हैं इंडिया में 90% जो ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स है वो अभी करेंटली लॉस में है, सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये पांचों पॉइंट परफेक्टली आपके बिजनेस आइडिया में अप्लाई होते हैं तो आपका एक स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल आइडिया बन सकता है, एक पोटेंशियल सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। अब दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्टअप बिल्टअप करने में बनाने में मदद करेंगे, जो लर्निंग मेरी है, जो लर्निंग मैंने अभी तक के सीखी है। जो सबसे पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है एक राइट मार्केट खोजना। ज्यादातर स्टार्टअप का जो सक्सेस होता है वो एक्चुअली उनकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो टाइमिंग के भी ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो एक्चुअली डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर कि कौन सा मार्केट वो टारगेट कर रहे हैं। अगर मार्केट अप्रोप्रिएट है, ऐसा मार्केट है जहां पे वहां पे रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, तो अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं भी है, अगर आप गूगल फॉर्म से भी सेल कर रहे हैं तो आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए या किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो होती है राइट मार्केट। अगर मार्केट सही है तो आपका आइडिया ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन आपका आइडिया हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो बेसिकली लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो स्टार्टअप्स है वो उन्हीं को ही थोड़ा बेटर करके बनाना चाहते हैं। जैसे लोग कमियां खोजते हैं कि जोमैटो में क्या कमी है, ओला में क्या कमी है, स्विगी में क्या कमी है, और उसके बाद उसके ऊपर वो बेसिकली एक दो और फीचर डाल के अपने खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं। सो ये एक नया मार्केट फाइंड आउट करना नहीं हो गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में आप एक नया प्रोडक्ट का एक नया सॉल्यूशन खोज रहे हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे केसेस में ये भी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन सकता है, लेकिन जो सबसे आइडियल तरीका होता है वो होता है कि आप एक नया मार्केट खोजो, एक ऐसा मार्केट खोजो जो अनटैप्ड मार्केट हो, जिसको अभी तक के कोई नहीं देखा हो, और आप वहां जाके एक बेसिक लेवल से अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो, अपनी खुद की सर्विस लॉन्च करो, अपने खुद का बेसिकली कोई भी आप स्टार्टअप मॉडल लॉन्च कर सकते हो, उस एरिया में आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और दोस्तों जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सीखा है वो है, इंडिया में ना स्टार्टअप चालू करने से पहले सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करो, पहले धंधा करो, पहले पैसा कमाओ, उसके बाद अपने खुद का स्टार्टअप चालू करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो डायरेक्टली टेक प्रोडक्ट्स में कूद जाते हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में, वो बेसिक लेवल से बिजनेस नहीं करते। आप अपना मार्केट कैसे टेस्ट करोगे? देखिए पहला पॉइंट तो हमने समझा कि मार्केट टेस्ट करना है, लेकिन मार्केट को किस तरीके से टेस्ट किया जाए और मार्केट को किस तरीके से मार्केट से आउटपुट निकाला जाए वो है कि आप किस तरीके से सबसे पहले एक बेसिक बिजनेस बनाते हो उस मार्केट से, किस तरीके से आप उस मार्केट से सबसे बेसिक लेवल से पैसा कमाते हो। तो जो सबसे पहले आता है स्टार्टअप के भी पहले आता है वो होता है बिजनेस, कि यार आप एक बेसिक सी चीज बेचो। जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, जब ई कॉमर्स इंडिया में आया आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट डायरेक्टली एक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन से शुरू हुआ था? नहीं, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस से नहीं शुरू हुआ था, फ्लिपकार्ट बुक सेल करके शुरू हुआ था। सेम अमेज़न भी एक बुक सेल करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनी थी, उसके बाद उन्होंने पोटेंशियल देखा कि यस ई कॉमर्स का पोटेंशियल है, और उन्होंने अपने आप को पिविट किया, अपने आप को एक मार्केट प्लेस मॉडल पे कन्वर्ट किया। और इस एग्जांपल से हम सभी को सीखना चाहिए कि सबसे पहले हमको बिजनेस करना चाहिए ताकि हम एक पॉजिटिव कैश फ्लो बना सके। उसके बाद जब आपके पास एक पॉजिटिव रेवेन्यू स्ट्रीम है, पैसा कमाने का एक सोर्स है, तो आप अपना थोड़ा सा पैसा स्टार्टअप पे लगा सकते हो और बेसिकली चीजों को टेस्ट आउट कर सकते हो। स्टार्टअप ऐसी चीज होती है कि हमेशा आपका एक तीर निशाने पे नहीं लगता, आपको बहुत सारे तीर मारने पड़ते हैं ताकि वो निशाने पे लगे, और इसके लिए आपको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है। अगर आपके पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम अच्छा है और उससे आप कंटिन्यूअसली ट्राई करे जा रहे हो अलग अलग मार्केट को टैप किए जा रहे हो, तो एक बार ऐसा होगा कि जब वो आपका निशाना सही लगेगा, सही मार्केट में आपका तीर जाएगा, और बेसिकली आप उस मार्केट पे अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो और वहीं पे ही अपना बड़ा स्टार्टअप बना सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक स्टार्टअप क्रिएट करो, वो है जब आप बिजनेस बनाते हो तो वो आप बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाओ, एकदम बेसिक इन्वेस्टमेंट से बिजनेस बनाओ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने घर से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, और वो एक्सपेरिमेंट करने में इतना ज्यादा कैश फ्लो बर्न कर देते हैं, इतना ज्यादा कैश बर्न कर देते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस भी नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बिजनेस बनाने के लिए आप बूटस्ट्रैप लेवल से जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना एक बिजनेस बनाओ। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस बनाते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, आप सीखते हो कि किस तरीके से आपको बिजनेस को ग्रो करना है,
क्या चीजें हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, किस तरीके से कम पैसे में आपको मार्केटिंग करना है, ये सारी चीजें आप जब ही सीखते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीखते हो जब आप पैसा नहीं लगाते हो। जब आप पैसा नहीं लगाते हो तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो और उस टाइम से आप बहुत सारी लर्निंग लेते हो। आप ट्राई करो कि आप एक नॉमिनल 5 से 10 लाख के बीच में इन्वेस्ट करके एक बेसिक सा मॉडल आप प्रिपेयर करो। इससे ज्यादा कभी भी किसी भी स्टार्टअप पे पैसा नहीं लगता। अगर आपने सही मार्केट पकड़ा है तो 5 से 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों चौथी चीज जो मैंने ओवर अ टाइम ऑफ सेवरल इयर्स समझी है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए डिजाइनिंग को जानना या डिजाइनिंग करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप होता है डिजाइन क्रिएट करना। हर एंटरप्रेन्योर को, हर बंदा जो अपनी खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, उसको डिजाइनिंग करना, बेसिक लेवल से डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग क्या होती है, ऐप की डिजाइनिंग क्या होती है, वेबसाइट्स की डिजाइनिंग क्या होती है, पोस्टर्स, बैनर्स, नॉर्मल पिक्चर्स, लोगोज, हर चीज की डिजाइनिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत कोर पार्ट है। बिकॉज देखिए, जो डिजाइनिंग होती है वो एक्चुअली आपके स्टार्टअप का सोल होता है। वो आपके स्टार्टअप को बाहर से डिफाइन करता है, वो लोगों को बताता है कि एक्चुअली आपका स्टार्टअप क्या है। बिना किसी टेक्स्ट के, बिना किसी वीडियो के, वो आपके ऑडियंस को बताता है कि आपका स्टार्टअप किस बारे में है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप लेवल से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो और आप समझना चाहते हो कि सबसे पहले आप क्या सीखो, तो आप डिजाइनिंग सीखो। डिजाइनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट canva.com से सीख सकते हो, या तो फोटोशॉप से सीख सकते हो, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स आती है वहां से सीख सकते हो। लेकिन इमेज डिजाइन करना या कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना, कोई भी वेबसाइट डिजाइन करना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जो पांचवी चीज है जो अपना स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिजिटल मार्केटिंग करना। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बूटस्ट्रैप बिजनेस बना लिया, आपने अच्छी डिजाइनिंग सीख ली, आपने बेसिकली एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर लिया, आपने राइट मार्केट फाइंड कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि आप अपने आइडिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के फैलाओ, और इस तरीके से फैलाओ कि लोग आपके आइडिया के ऊपर ट्रस्ट करें। प्रमोशन और मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रमोशन मार्केटिंग का जस्ट एक पार्ट होता है। प्रमोशन मतलब होता है कि आप फैला दो हर चीज को, आप बल्क ईमेल कर लो, बल्क एसएमएस कर लो, बल्क व्हाट्सएप कर दो, हर किसी को भेज दो। लेकिन मार्केटिंग होती है कम्युनिकेशन, कि आप एग्जैक्टली उस पर्सन को देखो कि उस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से उस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये होती है मार्केटिंग। एक बार सेल्स होने के बाद भी मार्केटिंग रुकती नहीं है, और इसीलिए आज के डेट में अगर किसी भी बंदे को स्टार्टअप बनाना है तो उनको डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आइडिया को पहुंचा पाए, अपनी वेबसाइट या अपने मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरीके से मार्केट करें, किस तरीके से कंटेंट जनरेट करें, वीडियोस कैसे बनाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कैसे मार्केटिंग करें, कस्टमर्स के साथ कैसे ऑटोमेट करें अपने पूरे मार्केटिंग प्रोसेस को, ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे से आप अपनी मार्केटिंग जानोगे, उतने अच्छे से आप अपना प्रोडक्ट बिल्टअप कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ई कॉमर्स में, तो हमारा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑनलाइन बिजनेस, वो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये सारी चीज करने के बाद, वो है डेलीगेट योर वर्क एंड ट्राई टू मेक अ टीम। जो भी आपका काम है, हर चीज आप खुद से नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग हैं वो इस स्टेज में आने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम को आगे डेलीगेट नहीं कर पाते, अपने इंटर्न्स को नहीं दे पाते, अपने जूनियर्स को नहीं दे पाते, अपने अंदर लोगों को हायर नहीं कर पाते। और यही आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। इनफैक्ट पूरे स्टार्टअप प्रोसेस में, पूरे स्टार्टअप जर्नी में जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है, वो होता है राइट पर्सन को खोजना और राइट पर्सन को राइट काम देना। ये बेसिकली एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है जो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। आपके अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन के पार्ट्स हैं, आप हर पार्ट को एक एक पर्सन को आप डेलीगेट करते हो धीरे धीरे। तो इनिशियली जब आप स्टार्टअप के एकदम बेसिक लेवल पे होते हो, आप ट्राई करते हो कि आप इंटर्न्स को हायर करो, एक बेसिक स्टाइपेंड पे इंटर्न्स को हायर करो, और बेसिकली वहां से अपना वर्क डेलीगेट करना शुरू करो। जैसे जैसे आप लोगों को हायरिंग करना शुरू करते हो, जिस तरीके से आप लोगों के साथ वर्क करना शुरू करते हो, आप धीरे धीरे सीखते हो कि कौन सी चीज, कौन सा टास्क, कौन सा वर्क किस पर्सन को दिया जाए, और किस तरीके से लोगों को परखें कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है, कौन स्किलफुल है, कौन स्किलफुल नहीं है, कौन सा पर्सन किस तरीके से फ्यूचर में आपकी स्टार्टअप की मदद कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली आपके स्टार्टअप बिजनेस को स्केल अप करने पे बहुत मदद करता है। तो दोस्तों ये 6 पार्ट थे जो मैंने अपनी जर्नी से और जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा है और आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे कॉन्टेंट को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछना। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sethialakshit@gmail.com पर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।